Hi, I'm Archana, Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Arre, namaskar. Namaskar, sir. Namaste, namaste. Archana ji, kaise? Yo, bro, how you doing? Hey, namaste. Yeah. Karan ji, namaste. Mahie ji, namaste. Archana ji, namaste. Bhumi ji, namaste. Hey, straw wala kharbuja pehli bar dekha. मैं लेकिन आप लोगों को देखकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में लेकिन अरशद जी यार कितने बड़े हो गए हैं आप पता है पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे अभी भी उतने से ही है तू उनके डैडी का दोस्त है तू उनके डैडी का दोस्त है तूने कब देखा उनको इतना था नहीं 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 जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना तो इसलिए इतने से थे सर ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए वो आज हमारा सपना पूरा हो गया छोटा जोक लेकिन सर यार सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है आय हाय ओहो सर एक एडवाइस दे रहा है कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा क्यों वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे सर ये भी आपको बता रहे हैं जो हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी हाँ। लेकिन तब शो नहीं आया था हाँ। फिर जब शो आया तो आप नहीं आए फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए आज आप भी आए हम भी आए जॉक भी आ गया लाइफ इज ब्यूटीफुल ये तो वही बात होगी दो घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी अरे ऐसा होता है यार देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है कि नहीं हो जाता है ऐसा यार सब ऊपर वाले की लीला है वैसे लीला से याद आया माही जी देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी आहा अद्भुत आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी तूने अब तभी चलना सीखा अरे 11 साल पहले सर पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने ओ हो अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना कभी धान कभी धनिया कभी गेहूं ये कौन सा खेत है बे ये इश्क का खेत है दोस्त इश्क का खेत चल निकल अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया ब्रो हम कहां क्राइम पेट्रोल में आते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग ये सोनी का खेत है ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो यू मीन आई शुड Change topic. Yeah. This is what you're trying to tell me. I will change it. Not a problem. Karan ji. Yes. आपकी फिल्म आ रही है. जी. तो एक करियर एडवाइस देना चाहेंगे. Okay. आप ना हंसा कीजिए. बहुत ज्यादा हंसा कीजिए. कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए. तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा हंसने से? उनके करियर को नहीं हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार. चैनल को लगेगा हमारे जॉक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा क्यों चैनल थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार 100% बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू पते की बात ओके नो प्रॉब्लम तो 601 ए विंग नंदादीप बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट मुंबई 400053 केले का पत्ता बड़ा होता है धनिया का पत्ता छोटा होता है किक्का बादशाह बेगम सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर और कोई पत्ते की बात करें बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहां से लाता है दुबई में कुआं खोदा है ब्रो वहां से लाते हैं आई लाइक इट प्लीज गिव मी रिएक्शन यार भूमि जी आई एम अ ह्यूज फैन ह्यूज अरे बाप ह्यूज आई कैन सी थैंक यू बहुत बड़े फैन है आपके और हम तो छोड़िए हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी फैन है आपकी सारा दिन बैठी रहती है तो बैठे रहने से इनकी फैन कैसे भूमि से जुड़ी रहती है ना यार ये तो सेम जोक मार रहे हो आप अरे इंतजार किया करो ना यार सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके बच्चा उनकी फिल्म आ रही है उसकी भी कोई बात कर तू अपनी बातें करी जा रहा है तो हमने कभी कहा है कि हमारी बातें आ रही है उस पर फिल्म करो नहीं ना करेंगे यार ब्रो कीप तसल्ली यार वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा काफी डर गए हम मतलब कप कपा गए एकदम सच बताएं आपको यहाँ पर हमारा घर है हाँ कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है अच्छा अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से पानी की टप टप दरवाजे की टक टक हवा की सन सन मेंटेनेंस करवा लो घर का
उसका प्रॉब्लम मेंटेनेंस का प्रॉब्लम सॉरी आप कहानी आप कुछ कह रहे थे नहीं सर ये घनघन घनघन पट पट टप टप क्या है हुआ फिर क्या यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है अरे बातें बोलने में मजा आ रहा तो थोड़ा रिदमिक हो जाए हम ऐसा हो जाता है लेकिन सच बता रहे हैं हमारा जो तबेला है ना वहां से दूध गायब हो रहा है अरे हां हां पता नहीं कौन पी के चला जाता है आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना तेरा देखिए ना क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है कपू सर हम बोले तो कुछ था कुछ है था कुछ था था हाँ ये कौन हो तुम कौन हो हाँ मैं मांजुली का 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी भूतनी भांजे देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं ये तबेला हमारा खानदानी तबेला है हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे झूठ मत बोलो कागज है हमारे पास ये लो देखो भूतनी के पास कागज भी है आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है क्या बात है तबेला हमारे नाम करो एक मिनट तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया अपने भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं 4 बजे सुबह हाँ। 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते रामू एक मिनट कालू देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू क्या जरूरत है ये सब करने का यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो क्यों अरे तो मालिक और क्या करें अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं बताइए अरे गोबर उठा उठा के हम गोबर हो गए हैं आज हमें मौका मिला आपका सबक सिखाने का तो सिखा दिया बातें हमसे कर रहे हो तुम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने का? अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया जिस पाइप से उसे नहलाते हैं उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया भैंसिया मैं तुम में कभी फर्क नहीं किया हमने अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया फर्क करना चाहिए और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं दूध में पानी मिलाते हैं अरे तो उसमें क्या है लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं चाय पत्ती मिलाते हैं उसमें क्या है अरे सुनिए दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना खाली दूध का ही सोचेंगे हम पानी के बारे में कौन सोचेगा है कि नहीं Correct. लोगों को हम दूध पिलाते रहे उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी इट इज रॉन्ग अरे तो पहले फिर एक काम कीजिए उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए ये सही है अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी फिर गाते रहना लोहा मुंह लग गया लोहा मुंह लग सर आते हैं सर अरे चलो यार इधर आओ करण मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम कभी मिले हैं सर नहीं मिले हम मुझे याद रहता हाउ ओल्ड यू आर आई जस्ट टर्न 27 हम तो वो 27 की उम्र में तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था हाँ हमें किसी ने बोला यहीं से ट्रैक्टर ले जाते हैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ तो मेरा क्या हुआ हम लोग नए पहली फिल्म मिस्टर बी प्रोड्यूस कर रहे हैं ओके तो अमिताभ बच्चन तेरे मेरे सपने हाँ मतलब नाम सुन के हिल जाते थे हम लोग और उन्होंने घर पे बुला लिया खाने के लिए अच्छा तो ऐसे चंद्रचूर मैं बैठा हूँ और वो मुकुल देव अच्छा ओके ऐसे शरीफ बच्चे मामी जी आए व्हाट विल यू हैव तो मुकुल देव ने बोला आई हैव स्वीट लाइम जूस रॉकी के पास गए व्हाट विल यू हैव अ कोक पेप्सी मेरे पास है व्हाट विल यू हैव आई हैव सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स अभी ऐसा उन्होंने लुक दिया अच्छा ड्रिंक आई तो इनके हाथ में उसके हाथ में नींबू पानी इसके हाथ में कोई कोला मेरे हाथ में विस्की फिर बच्चन जी ऐसे टर्न मारे वहां गए कट टू इसने मेरा ग्लास खाली मिस्टर बच्चन पलटी मार के वापस आए मेरे को देखा ऐसा और देन ही सेड यू नीड टू गो स्लो माय सन अबला सो के सर ऐसे होता है एक सिप भी नहीं ली मैंने टक टक फुल रात को ऐसा लगा कि इट्स सो मेरे से बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है तो मेरे पास 2 घुमरे थे साथ में
अच्छा ट्रेलर में ना अर्शद भाई का एक बड़ा पावरफुल डायलॉग है, पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर. हाँ, बहुत टाइम लगा था याद करने के लिए, तुमने याद कर लिया. देखो ये पावर ऑफ पीपल वाला जो भी मैंने बोला, अब दूसरी बार नहीं होगा मेरे से. मेरे से भी नहीं होगा. सो मैं ये पूछना चाहता था अर्शद भाई कि आपके घर में पीपल इन पावर कौन है? पीपल नहीं यार, एक ही है, मरिया है, बाकी हम सब किसी का कोई पावर नहीं है. कसम से बता रहा हूँ कपिल, तुझे नहीं पता मेरे पे क्या बीतरी है. क्यों मरिया को बदनाम कर रहा है यार अर्शद? कहाँ बदनाम कर रहा है, सच बोल रहा हूँ. तो यही होता है, सच बोलो आदमी बदनाम हो जाता है. पर अर्चना जी के घर में इनकी वाइफ की जलती है. अभी तो आएगा ही नहीं परमीत अगली बार तेरे शो पर. हाँ, देख लेना. बन की वाइफ ने दाढ़ी बढ़ा लिया. क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं. मैंने कसम से कुछ नहीं बोला. आई लव यू. तू दोस्त है या दुश्मन? मैं दोस्त हूँ. मैं आप लोग दोनों मिलकर मारेंगे उसके बाद. आपकी क्या जरूरत है, अकेली मार सकती है. करण जैसे ना, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे नॉर्थ साइड में अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते. तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके जीजा ही लगते हैं. तो फिर आपने पेमेंट लिया कि नहीं उनसे? इस टाइम थोड़ा सा पेमेंट लिया मैंने. अच्छा, इस टाइम मतलब पिछली बार नहीं मिला. नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने जो मैंने ब्लैंक की थी पिक्चर, लास्ट वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, सो आई थॉट उसमें से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा मुझे, अक्षय सर के साथ गाना है वगैरह वगैरह. वो टीवी पे एयर नहीं हुआ गाना, तो इस टाइम मैंने बोला कि अगर मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ तो थोड़ा सा मतलब पेमेंट तो बनता ही है. मैंने भी ये बोला था, बोले थे घर चले जाओ. कि हमारा पांडे ना जो ड्रम पे बैठा है, इसने अपना पेट पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए किया है ये अपने साले को दरवाजे पे रोक सके. इसका साला भी इतना शतान है, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाता है. माही, इस फिल्म में भी आपके हाथ में बंदूक देख रहे हैं हम. आपकी मैंने देखा जितनी फिल्में बंदूकें बंदूकें तो आप अक्सर ही चला ही देती हैं. अच्छा एक और चीज आपको पता है अर्शद भाई इनके बारे में, माही के बारे में? माही ने फौज में भी ट्रेनिंग की हुई है. क्या बात. बीच में छोड़नी पड़ी थी क्यों? हाँ. मतलब ट्रेनिंग में दिल्ली लगा था या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. वी वर सिलेक्टेड, 16 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो हम चेन्नई पहुंच गए, तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ एक. क्या? इसलिए मैंने छोड़ा. वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पैरासेलिंग कर रही थी और बिल्कुल ट्रक से वो बांधा हुआ था रोप और मैं ऊपर तक पहुंच गई. अच्छा जी. और वो रस्सी टूट गई. रस्सी टूट गई और मैं ऐसे करते करते पड़ते पूरा स्कूबा डाइविंग करते करते नीचे आई. तो पहले और नीचे बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ अटैच थे वो भागे. मैं मेरे को अभी भी याद है वो सारा सीन. वो लड़के सारे भागे मुझे बचाने के लिए. तो मैं ऐसे गिरी, तो ऑब्वियसली वेट तो हैवी होता है ये ना, ऊपर से गिरता है. मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ. माय हेड हिट द रनवे फॉर 1 मंथ. आई वाज इन द हॉस्पिटल. ओह माय गॉड. उनके सर पे चोट लगी ना, डिसाइड किया अब मैं एक्टर बनूंगी. उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया. नहीं, सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड था एक, ठीक है. अच्छा. तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिख कर रखी हुई थी, अपने पॉकेट में डाली हुई थी. जब मैं ऊपर गई, जब रोप टूटा, तो मुझे मरने का डर नहीं था. मुझे ये डर था जब मैं मर जाऊंगी मेरे लेटर्स मेरे पेरेंट्स को ना मिल जाएंगे. पर उसके बाद अगर मिल भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? उस टाइम ये माइंड में आ रहा था मैं पकड़ी जाऊंगी. पर ये चीज उन्होंने बोली ना कि मैं जब गिरने वाली थी, तो बहुत सारे लड़के ऐसा होता है, लड़की अगर स्कूटी से गिर जाए ना कहीं ऐसे, सारा बाजार इकट्ठा हो जाएगा. लड़का गिरा ना, उड़ जा मरने गया तू अटड़ा. ये लड़कों को मैंने देखा, बड़े चलाक होते हैं लड़के. ये क्या परछाइयां रखी हुई हैं यहाँ पे, इसमें इंसान भी डलवाओ. नमस्कार. नमस्कार. आपकी स्कर्ट लंबी हो गई. इतने सालों से पहनी है तो नीचे ही होती जा रही है, वैसे तो ऊपर होती है. वैसे जन्मदिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे. मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही उमंग और तरंग से भरा हो. एक मिनट बाबा रुक जाइए. जन्मदिन की शुभकामनाएं देते नहीं है, लेते हैं. उनको बोलना कोई शुभकामनाएं दे ही नहीं रहा है. मैं आज सच में धर्मपाली का बर्थडे है. वो धर्मपाली, हैप्पी बर्थडे, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू. वहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ खड़ा हूँ मैं यार. आज असली वाला धर्मपाली का बर्थडे है, पता है मुझे. लेकिन बाबा स्क्रिप्ट के हिसाब से बर्थडे मेरा है. आपकी शुभकामनाएं मांग रहे हैं.
बाबा बर्थडे तो आज मेरा है। अबे तेरा नहीं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज के दिन मैं पैदा हुआ था। ये आपकी गलत फैमिली है पापा, आज के दिन मैं पैदा हुआ था। अरे बेटे तू तो इतना सा था, तुझे कैसे पता कि तू पैदा हुआ था? बाबा तो आप भी जब पैदा हुए थे आप भी इतने से थे, आपको कैसे पता कि आज के दिन आप पैदा हुए थे? हाँ तो मेरे पापा ने मुझे बताया था, तू भी जाके अपने बाप से पूछ ले। एक मिनट पापा, मेरे पापा तो आप ही हैं। आपने तो मुझे बताया था कि आज के दिन मेरा बर्थडे है, मैं पैदा हुआ था, आप पैदा नहीं हुए थे। अरे जब मैं ही पैदा नहीं हुआ तो तू कहां से पैदा हो गया? यहाँ पे बाप ही पैदा नहीं हुआ, बेटे पैदा हुए जा रहे हैं। यार ये क्या है, पहली बात बता बेटा, पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? ये मुझे कैसे पता चलेगा पापा, ये चीजें मुझ तक पहुंचती कहाँ, यहाँ पहले ही चट कर जाते हैं। दादा चट चट ना कर, ये चट चट करके ना एक दिन फट जाएगा तू। आज कर रहा है, यहाँ गेस्ट हैं बात करने, मैं भी बैठ के बात करूंगा एक मिनट। बाबा कुछ नहीं, रुक जा बेटे, इतने सीनियर आर्टिस्ट आए, आशीर्वाद लो, हट। बैठिए बाबा। हमने इस शो में सीख लिया है कि कुर्सी कैसे छीनी जाती है। और शो में जो है जगह मिलती नहीं, खुद बनानी पड़ती है। ये बात सही है। अरशद वारसी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जिस दिन आप पैदा हुए थे कौन सा वारसी? उस दिन केड़ा वारसी? बाबा ये वाला बहुत फनी था बाबा, बहुत ज्यादा फनी था। ऐसा टाइप का मैं भी एक सुना दूं पापा। अरशद वारसी जी, अभी सोनी लिव पे एक सीरीज आई थी स्कैम नाम की। हाँ। अच्छा हुआ आपने वो सीरीज नहीं की, वरना आप अरशद से हर्षद हो जाते। माइंडलेस किड, क्या बकवास है ये, अरशद का हर्षद कर दिया तूने, व्हाट इज दिस? आपने अरशद वारसी का केड़ा वारसी का, वो बहुत अच्छा था। आपका चुटकुला चुटकुला, मेरा चुटकुला माइंडलेस किड। वाह बाबा ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं मेरे। अरे कब तक सियासी पे अटका रहेगा, कभी 88 खेल। कभी 99 खेल। सेंचुरी कब बनाएगा तू बेटे? ये मजदूर का हाथ है पापिया, सेंचुरी को पिघलाकर उसकी दो हाफ सेंचुरी बना देता है। आवा इन बातों में कुछ नहीं रखा है, यहाँ देखिए भूमि जी भी आई हुई हैं। वाह वाह भूमि जी, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। वो तो हैं। एक वक्त था जब हम भूमि पे सोफे रखते थे, आज सोफे पे भूमि बैठी हुई है। गुड वन पापा, गुड वन। ये आपकी फिल्म का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इतनी बड़ी हवेली, बुलाओ हमें कभी हवेली पे। अर्शद जी आप भी आइएगा साथ में बैठ के। बिल्कुल। थोड़ा बाबा एक मिनट, क्या इशारा कर रहे हैं? मैं डमरू बजा रहा हूँ। बाबा डमरू ऐसे नहीं बजता है। तो पता है तो पूछ क्यों रहा है फिर? बाबा आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। अर्शद जी भूमि जी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे घर के पास एक लेडी संगीत था, पापा 4 मिनट के लिए टेंट के पीछे गए और जब वापस आए तो इलायची खा रहे थे। हाँ तो मैं वहाँ गजरेला खाने गया था, उसके अंदर इलायची होती है ना, मैं चबा रहा था, उसमें क्या हो गया। वाह मेरे प्यारे पापा, कितने गजरेले खाए आपने वहाँ पे? यही कोई 90-90 के। पकड़ लिया बाबा, पकड़ लिया, गजरेला कोई 90-90 का नहीं होता है। 90-90 ग्राम के खाए थे मैंने। और इतना चिल्लाता क्यों है, बीपी लो हो जाता है। बात कर रहा है ऐसे ही करता है। उस दिन मैं रात को उठा, मुझे लगा ये सो रहा होगा, मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में बैठा हुआ था ये। फिर बर्फ बर्फ निकाल के लेके गया हूँ।
दिसंबर के महीने में बर्फ चूस के सोया हूं मैं। मैंने इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू बड़ा होके बाप को डराए। मैं डरा तो नहीं हूं पापा आपको, केयर करता हूं मैं आपकी, लेकिन आपको अगर ये सही नहीं लग रहा है ना बाबा तो ठीक है, आज के बाद मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा आपसे पापा, ठीक है। क्या बोल रहे आप पापा? रोना नहीं। मेरा बच्चा। सर प्लीज खुला दिया। मेरा बेटा बहुत होनहार है, देख आंसू देख। बेटा ये गेस्ट आए हैं। आए तो हैं। इनको एक बार किंग कॉन्ग बन के दिखा। ये बहुत अच्छा किंग कॉन्ग बनता है ये। बाबा बैग करके दिखा। ऐसे सबके सामने बाबा? हाँ तो क्या बेटे, वो खुश होंगे, वो शाबाशी देंगे। ओके हाँ किंग कॉन्ग बन के दिखा रहा हूँ। भूमि देखिए, ये कोई किसी का बेटा नहीं कर सकता। मुंबई का किंग कौन? फिल्म इंडस्ट्री का स्टार कौन? तेरा बाप कौन? आई लव यू पापा। मेरा बेटा छा गया। Just need your blessings, Papa. Need your blessings. Always, beta. I love you, beta. Thank you, Papa. ये क्या कर रहा है? Sorry. महफिल में ये। नहीं, पापा। पापा लेकिन अब आपकी टर्न है पापा। है क्या? मेरे पापा बहुत अच्छी तितली बनते हैं। तितली? अच्छा? पापा? नहीं पापा शर्माइए मत। पापा प्लीज दिखाइए ना। मैं नहीं शर्माऊंगी। पापा दिखाइए ना। पापा बहुत अच्छी तितली बनते हैं पापा। पापा छा गए। मेरे पापा छा गए। वेरी गुड पापा। अच्छा किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया आपने पापा। माही जी थैंक यू। थैंक यू। मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे मजा आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं। बाबा ये परफॉर्मेंस देने वाला नहीं कहता, देखने वाला कहता है। हाँ तो कह क्यों नहीं रही है वो फिर मुझे? उनकी मर्जी ना पापा। अच्छा फिल्म भी उनकी, मर्जी भी उनकी, मेरा कौन? तू? तो पापा अपने तो अपने होते हैं ना। बार बार इमोशनल मत किया। बस कर रहे, हो गया तेरा बार बार पैं 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 लगा रखा है। और बेटा सॉरी हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ये वाली फिल्म आपकी हिट है, आगे भी बहुत सारे हिट होंगी। थैंक यू सर। बस जीवन में एक ही चीज का ख्याल रखना, मेहनत। मेहनत लगन बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी जेब में 1500 रुपए थे। तेरी जेब में 1500 रुपए थे? हम यहाँ ऑटो से क्यों आए? हम कैब में भी आ सकते थे बेटा। अब हम मेरी जेब में नहीं, आपकी जेब में 1500 रुपए थे। मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं है। अरे बाबा आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल पुरानी बात अभी क्यों बता रहा है मुझे? पापा यार रहने दो। मेरे से गलती हुई कि मैं आपके साथ आया। हाँ गलती याद आ गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, यू नो चर्च गेट? यस। अरे उस वक्त पे गेट था ही नहीं, सिर्फ चर्च था। हाँ गोरे गांव में गांव नहीं था, अंधेरी में उजाला था, और दादर बिना फादर के था। एक वक्त था बंबई में, आप जानते हैं। बाबा आपसे दही से और नाला सुपारा पे कुछ बना नहीं? सब कुछ मैं ही बनाऊं, तू कुछ नहीं बनाएगा हैं? ऐसा मत कहिए बाबा, इस बर्थडे के लिए बर्थडे का केक मैंने बनाया अपने हाथों से। अरे बेटा तूने तो सिर्फ केक बनाया है, लेकिन केक काटने के लिए मैंने तुझे बनाया है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.